सीरियल बानी के सेट पर पहुंचे इंडियाज गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट, और ये कोई ऐसे वैसे कंटेस्टेंट नहीं थे। जी हाँ, आज ये सोहम और परमित को सिखाएंगे योगा। जानते हैं इनसे कि ये अपनी लाइफ में योगा कितना करते हैं और कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस। बहुत बहुत बड़ी जरूरत है, और आपने बिल्कुल सही बोला। आजकल एक जिन लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि भैया जिम में जाके ही बॉडी बनेगी, या फिर तो फिर उस हिसाब से अक्षय कुमार जी को तो घर ही बैठना चाहिए था, एंड ही इज़ द फिटेस्ट गाय। तो ऐसा नहीं है कि जिम जाके ही सब कुछ होता है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आई मीन, मैं मार्शल आर्ट्स करता आया हूँ, मेरे 6-7 साल हो गए। तो आई थिंक मार्शल आर्ट्स करो, स्विमिंग करो, गेम खेलो, सब चीज़ों को मिक्स करना चाहिए, और आजकल ट्रेंडी वो चल रहा है। तो जिम एक पुराना कॉन्सेप्ट हो रहा है मेरे ख्याल से, मेट्रोज में तो हो रहा है, तो जो हम देख भी रहे हैं आजकल, एक्टर्स हों या सेलिब्रिटीज हों, सब फॉलो कर रहे हैं। मेन एक्चुअली अभी गर्मी है, तो इस वजह से दिन के टाइम में थोड़ा टेम्परेचर हाई है, लेकिन आप लोगों में बिल्कुल नहीं आ रहा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, थैंक यू सो मच। बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिली, एंड थैंक्स टू अद्विक। अद्विक का जो मेन स्टंट था वो सब पे भारी पड़ गया। थैंक यू सो मच। हमने सुना है कि बहुत नेशनल और नेशनल क्या इंटरनेशनल कंपटीशन लड़े हैं आपने, लड़े हैं, एंड हम बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि आज आप हमारे बीच में आए हैं, थोड़ा बहुत हमें सिखाने की कोशिश की है। भाई, यहाँ इंडियाज गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट को हम ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। कैमरामैन बाबा जी के साथ नेहा सावंत, इंडिया फोरम्स, मुंबई।